नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा है आम आदमी पार्टी के नेता विशाल ददलानी द्वारा जैन समाज और जैन धर्म का अपमान करने का। अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में जैन मुनि तरुण सागर महाराज जी ने अपने कुछ प्रवचन दिए, जिस पर राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता विशाल ददलानी ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उन्होंने जैन समाज, जैन धर्म और जैन मुनि महाराज तरुण सागर जी का अपमान किया। सबसे पहले तो मैं मुनि जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मेरा सर उनके चरणों पे नतमस्तक है। और अब आप देखिए, पहले तो कि विशाल ददलानी कौन है और उसने क्या किया है और क्या ट्वीट किया है। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि विशाल ददलानी कौन है और उसने ट्वीट क्या किया है। जैन समाज में ऋषि मुनि जो त्याग करते हैं और वो वस्त्र ग्रहण नहीं करते और पांच प्रकार के महात्याग करते हैं, वो महाव्रत रखते हैं, उसका अपमान किया है। इसने जैन ऋषि मुनि जैन मुनि जी को ये बोल के संबोधित किया कि वाट अ नॉनसेंस, और ये क्या नॉनसेंस है, इस नॉनसेंस के लिए वोट दिया गया था हरियाणा द्वारा। तो इस तरीके से अपमान किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने ट्वीट की जो लाइन देखी उसमें ये लिखा है, नो अच्छे दिन नो कच्छे दिन। कच्छा कच्छा मीन्स होता है अंडरवियर, अंडर गारमेंट, चड्डी। और ये सीधा सीधा जैन समाज पर, जैन धर्म पर अपमान है। लेकिन मैं चाहता हूं केजरीवाल जी, अब आप ट्वीट करके बोलो कि हैशटैग विशाल ददलानी का वर्ड है साइकोपैथ है, एक संकी आदमी है, ऐसा ट्वीट कीजिए आप, तब हम माने कि हाँ आप सही ट्विटर किंग हो और आप सच्चे ट्वीट्स करते हो। वरना ये नौटंकी करना छोड़िए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी भी धार्मिक असहिष्णुता की राजनीति कर रही है, वो रिलीजियस इंटॉलरेंस फैला रही है। पहली चीज, नरेश यादव आम आदमी पार्टी के विधायक ने पंजाब में मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों के पन्ने फटवाए और अभी उन पे केस चल रहा है और वो गिरफ्तार भी हुए थे क्योंकि वहां पे दंगा हो जाए और दंगे की वजह से ये वहां पर माहौल बना पाए आम आदमी पार्टी की जीत के लिए। दूसरी चीज, पंजाब में चुनाव होने हैं, इन्होंने हमारे सिख भाइयों के धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया। उन्होंने पुस्तक के साथ साथ झाड़ू की फोटो जो है लगवा दी क्योंकि झाड़ू उनकी पार्टी का चिन्ह है। तो ये सीधे तौर पर सिख धर्म और सिख धार्मिक पुस्तक का अपमान था और अब इन्होंने जैन धर्म और जैन महामुनि का अपमान किया है। ये सरासर निंदनीय है और ये इंटॉलरेंट है। और अब मैं इनका नाम चेंज करके इंटॉलरेंट केजरी, इंटॉलरेंट पार्टी, इंटॉलरेंट ददलानी रखता हूं। और एक बात बता दूं, मेरे एक मित्र हैं उत्तराखंड से और ट्विटर और फेसबुक पे छाए रहते हैं, विभू भाई। तो विभू भाई ने आज एक स्टेटस डाला था, वो मैं आपको बता दूं, शराबी शबाबी कबाबी और चरित्र से नंगे लोग अब पांच महाव्रत रखने वाले संतों के साधुत्व की समीक्षा करने लगे हैं। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। विभू भाई ने क्या सही बात बोली है कि इस तरीके के घटिया लोग अब पांच महाव्रत रखने वाले संतों के साधुत्व का अपमान कर रहे हैं। जो जैन ऋषि मुनि पांच महाव्रत रखते हैं, उनमें से एक महाव्रत होता है कपड़ों का त्याग करना। वो कपड़ों का त्याग कर देते हैं, चाहे ठंड हो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बर्फ गिर जाए, लेकिन वो कपड़े धारण नहीं करते। ये उनका त्याग होता है, ये उनका तप होता है। और विशाल ददलानी ने इसका अपमान किया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बोलता हूं कि आप ट्वीट करो कि विशाल ददलानी साइकोपैथ है और कावर्ड है। वही पुराना ट्वीट फिर से रिपीट करो जो मोदी जी के लिए किया था। और फिर से मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को कि मेरे जैन दोस्तों और जैन भाइयों को मेरा नमस्कार है। और आप सब ने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी धर्म की रक्षा की और ऐसे ओछे लोगों को सबक सिखाने का आप लोग भरपूर योगदान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों की सराहना करता हूँ। और मेरे एक दोस्त हैं जैन हैं, जिनका नाम है आदि जैन, उसने भी मुझसे ये बात बोली कि नितिन भाई तू इस मुद्दे पर एक वीडियो बना। तो मैंने सोचा कि सही बात है, मुझे इस मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए और मैंने बनाया है। और मैं जाते जाते फिर से
तरुण सागर जी महाराज को नमस्कार करता हूँ और उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।